नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर आज की बड़ी खबर। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। मंत्री हो या कोई संतरी, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कई नेता राजनीति की यार्ड लेकर कानून को भी धोखा देते चले आते हैं, चाहे उन्हें कितना भी गुनाह क्यों ना कर रखा हो। ऐसा ही एक यौन शोषण के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को SIT और UP पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SIT की टीम स्वामी चिन्मयानंद को सुबह ट्रामा सेंटर ले गई थी। ट्रामा सेंटर में स्वामी को दिखाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। स्थानीय अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही उनके तीन सहयोगी युवक भी SIT के गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए तीनों युवकों पर ब्लैकमेलिंग में शामिल होने का आरोप है। तीनों आरोपियों के नाम संजय सिंह, विक्रम और सचिन हैं। इन तीनों आरोपियों को ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन पर IT एक्ट के साथ साथ जबरन धन वसूली और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा है। SIT के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार तीनों युवकों को भी चिन्मयानंद के साथ ही स्थानीय CGM अदालत में पेश किया गया। SIT का मानना है कि इस पूरे प्रक्रम में तीनों की ही युवकों की खास भूमिका रही थी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद पहुंचे DGP OP सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी लगातार स्वामी के संपर्क में थे। पीड़िता और स्वामी के बीच चल रही ब्लैकमेलिंग की डील में ये तीनों सूत्रधार थे। देखिए पहले हमारी ये रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद पीड़िता की छात्रा ने चिन्मयानंद की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार उसके मरने का इंतजार कर रही है तो वह आत्मदाह कर लेगी। पीड़िता का आरोप है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होने के कई दिन बाद भी ना तो बलात्कार और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज हुआ है और ना ही चिन्मयानंद की गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के पिता ने सवाल किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होने के बाद भी चिन्मयानंद को गिरफ्तार नहीं करना और उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि SIG भी उन्हें जानकारी नहीं दे रही है, ऐसे में वह वकीलों से परामर्श करेंगे। बता दें कि स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली LLM की छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण करने और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने का खतरा बताया था। इस संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया। इससे ठीक एक दिन पहले चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। वहीं पूछताछ में स्वामी चिन्मयानंद और छात्रों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल करने के बाद स्वामी ने कहा कि अपने किए पर शर्मिंदा है। इसके साथ ही पीड़िता भी जांच के दायरे में है। पूछताछ में छात्रा ने कबूला कि उसकी और युवकों की बात होती थी। वहीं स्वामी और छात्रा के बीच करीब 200 बार बातचीत हुई है। सर, रोलिंग सर, चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी हो गई है, SIT ने की है। जी हाँ, आज सुबह उनको आश्रम से गिरफ्तार किया गया है, स्वामी चिन्मयानंद को, और हमारी SIT की टीम ने उनको गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनको जेल भेजा गया है। उनको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उन्हें भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है।
वो तीनों एक्सट्रॉशन के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने एक्सट्रॉशन लेने की कोशिश की स्वामी चिन्मयानंद का, और स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। सर, इतनी देरी क्यों हुई गिरफ्तारी में, क्या लगता है? जब नहीं, कोई देरी नहीं हुई है, SIT उस पर काफी बारीकी से उसकी विवेचना कर रही थी। लड़की का जब, पीड़िता का जब स्टेटमेंट हुआ है, उस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कुछ वीडियो क्लिपिंग्स दिए हैं, उस वीडियो क्लिपिंग्स को और एक्सट्रॉशंस के जितने भी हमारे पास वीडियोस थे उन सबों को फॉरेंसिक्स के लिए भेजा गया, और उसके परीक्षण के उपरांत ही हमने स्वामी चिन्मयानंद को और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सर, रामपुर में आदम खान के ऊपर JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।